तुमने ये क्या कर दिया यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी कि एज किस्म के आखिरी 11 एपिसोड एज का एंड गेम यार काफी सारे ट्विस्ट से भरा हुआ है। कब क्या कहाँ कैसे हो जाएगा तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन मैं नंबर्स को देख रहा हूँ, डाटा को देख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पता चल चुका है कि तुम यार इस जर्नी को देख नहीं रहे हो। भाई यार एज की जर्नी एंड होने वाली है, मुझे भी दुख है, लेकिन हमने साथ में मिलकर वादा किया था कि एज के आखिरी 11 एपिसोड को हम साथ में मिलकर इन्जॉय करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि हर पल आखिरी हो, लेकिन तुमने वादे को ब्रेक कर दिया। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जो सच्चे पोकेमोन के फैन है वीडियो को पूरा जरूर से देखना, जो नकली पोकेमोन के फैन है वो अभी से जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग एपिसोड के बारे में और बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जो कि तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एपिसोड 4 में जो काम होने वाला है, मतलब यार मिस्टी को न्यू आउटफिट मिलने वाली है, जो कि मिल चुकी है, तुमने देख लिया होगा इसका फर्स्ट लुक को। तो डेफिनेटली ये आउटफिट जो है इंस्पायर है पोकेमोन गेम से, और वो गेम जो है वो है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट 2, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। एंड हाँ, देखा जाए मैंने उसको कभी कंप्लीट कर नहीं पाया, लेकिन जितना ही मैंने खेला अच्छा था। तो उसमें मिस्टी की आउटफिट यहाँ पे ये है और एनिमे सीरीज की आउटफिट ये है, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। और सिमिलरिटी से मुझे याद आया, पाई साहब पोकेमोन के जितने भी एपिसोड है M2B मास्टर के, उसमें सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया आ रहा है। मतलब एपिसोड 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी एपिसोड अभी तक अनाउंस हुए हैं और आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, भाई साहब उनमें सेम पैटर्न है। और वो पैटर्न कुछ इस प्रकार है, मतलब एक किसी ना किसी एपिसोड में पोकेमोन की हेल्प कर ही रहा है। फॉर एग्जांपल यार एपिसोड 1 में वो हेल्प कर रहा था, यस यू आर राइट, लेटियास की। सेकंड एपिसोड में वो बात अलग है, खुद की हेल्प नहीं कर पाया, हार गया मिस्टी से, ये एक्सेप्शन है। थर्ड एपिसोड में उसने हैटर्नी पोकेमोन के फर्स्ट फॉर्म की हेल्प की। एंड फोर्थ एपिसोड में वो बियोटिक पोकेमोन की हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली ये एंड में जाके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तुम लोग बोलोगे ओ भाई साहब यार पोकेमोन वाले हमको ये बताना चाह रहे थे। अगर तुम्हें जानना है पोकेमोन वाले हमको क्या बताना चाह रहे थे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें मैं बता ही देगा। तो यार 5K लाइक कर देना यार, बता देगा मैं। और अगला जो डिटेल है ना, और भी ज़रा इंटरेस्टिंग है। ब्रो की जो आउटफिट है ना, वो भी काफ़ी ज़रा सिमिलर है पोकेमोन गेम से, तुम लोग यार कंपेयर कर ही सकते हो। तो ये पोकेमोन वाले गेम से भी इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यार जितना पोकेमोन को भी सपोर्ट आएगा ना, उनको लगेगा कि हाँ ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, तो यार पोकेमोन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ पूरा सपोर्ट करोगे तभी ये किस्म बच पाएगा। ऐसे तुम यार देखोगे नहीं, नंबर्स कमाएंगे तो भाई यार ये अच्छी बात नहीं होगी, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। देन दोस्तों मिस्टी को ओसवोट काफ़ी पसंद आया है, ये बात मैंने देखी, मैंने नोटिस की गौर से। तो यार इमेजिन करो ग्रीनजा भी आने वाला है आने वाले समय में, तो मिस्टी ग्रीनजा को देखेगी। भाई साहब यार मिस्टी तो ग्रीनजा से शादी कर लेगी यार। भाई यार मजाक कर रहा हूँ, लेम जो के प्लीज माफ कर देना, लेकिन भाई साहब यार मिस्टी यार ग्रीनजा को देखकर, और ऊपर से वो बोन ग्रीनजा होगा ना, मिस्टी पागल हो जाएगी भाई साहब यार। एंड साइलेंट ने मिस्टी को एक काफी फैन फेवरेट क्वेश्चन पूछा, और वो ये है, अगर मिस्टी बग टाइप से डरती है और वाटर टाइप को प्यार करती है, तो भाई साहब अगर उसके सामने ये पोकेमोन सामने आ गया, दुई पाइडर पोकेमोन, जो कि नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ आई नो, मुझे पता है, कमेंट में मत लिखो। तो देखो दोस्तों, तो मिस्टी करेगी क्या, डरेगी या फिर उसको प्यार करेगी? नेशन जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है, पूरा यूनिवर्स जानना चाहता है, मल्टीवर्स ओमनीवर्स सब जानना चाहता है बे। भाई साहब कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया, लेकिन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, साइलेंट अस ब्रो अस। देन दोस्तों आगे बात करते हैं, यार पोकेमोन वालों की एक बार मुझे कतई भी पसंद नहीं आई, वो यार पूरे के पूरे एपिसोड्स में यही बात को दोहरा रहे हैं कि यार किसी रीजन में किसी जगह हमारे हीरोज ट्रैवल कर रहे हैं। अरे भाई साहब यार प्रॉपर लोकेशन बताओ ना यार, इतने सारे रीजन है, केंटो, जोटो, होविन, सिनो, यूनोवा, केलोस, अलोला, गलार, भाई साहब तुम दिखा नहीं रहे हो और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 3 की जो ये लोकेशन है वो गलार रीजन से सिमिलर है, तो भाई साहब यार बोल दो ना गलार रीजन है, तो यार इसकी भी एक वजह हो सकती है। क्या हो, ये मेन स्टोरी जो हो ना, ये जो हमको 11 एपिसोड दिखाई जा रहे हैं वो हमारे मेन यूनिवर्स की कहानी हो ही ना, ये किसी और यूनिवर्स की कहानी हो, और एपिसोड के एंड में, मतलब सीरीज की 11 एपिसोड के एंड में हमको पता चले मजाक हुआ है, असली हीरो की कहानी अभी भी चल रही है, भाई साहब कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। देन दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे फैंस के बीच में काफी ज्यादा घूम रहा था एस के वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज के टाइम से, कि भाई ब्रोक एंड साइलन आपस में कर क्या रहे हैं, साथ में कर क्या रहे हैं। तो हमको साइलन ने ही बताया कि ब्रोक और मैं काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, हमने जोड़ो रीजन में काफी अच्छी मुलाकात की थी, हमने काफी ट्रैवल किया था, देन हमने एस की वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज को साथ में भी देखा। तो यस लो जी तुमको आंसर मिल चुका है, एंड अच्छी बात है एस के फ्रेंड भी आपस में फ्रेंड है।
दैट्स इंटरेस्टिंग। देन दोस्तों अगला जो ये एपिसोड है ना, एपिसोड 4, जिसमें यार इंसिन रोड एंड टेलन फ्लेम आया है, ये एक और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यार इंसिन रोड पहली बार एस किसी और दूसरे फायर टाइप पोकेमोन से मिल रहा है और ये दोनों पोकेमोन हीटर की तरह काम कर रहे हैं। भाई साहब बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, मुझे भी एक इंसिन रोड चाहिए। देख लो ना भाई, ये चाइजार्ड ये मेरी जान बचाएगा, बता रहा हूँ मैं। देन दोस्तों इस एपिसोड में ये साइलेंट करना क्या चाह रहा है भाई साहब? यार साइडक भी सोच रहा होगा क्या इतना बुरा हूँ मैं मां। साइलेंट यार तुझे पोकेमोन पसंद है आई नो, बट ये ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। देन दोस्तों इस एपिसोड में हमको मूवी 15 का भी रेफरेंस मिला, जो खाने की चीज थी उसका रेफरेंस मिला, और सेम टू सेम रेफरेंस हमको वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज के टीम रॉकेट के पोकेमोन को भी हमको दिखा था, जो कि अच्छी बात है। पोकेमोन वाले टाइम टू टाइम यार मूवीज के रेफरेंसेस भी देते आ रहे हैं। देन दोस्तों यहाँ पे ब्रोक की जो आउटफिट है मैंने तुम्हें बता ही दिया है, वो लेट्स गो के डिजाइन से मैच कर रही है। एंड दोस्तों अगली जो डिटेल है ना, तुम पागल हो जाओगे, तुम लोग बोलोगे वाओ वाओ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि यार जो बियोटिक पोकेमोन है ना, क्या हो उस एपिसोड में आइरिस भी आ जाए? बिकॉज़ यार ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि आइरिस भी इस एपिसोड में आने वाली है। अकॉर्डिंग टू द प्रीव्यू एंड यार समरी प्लॉट सिनॉप्सिस, आइरिस का कुछ भी रोल नहीं होने वाला है एपिसोड के अंदर। तो यार काफ़ी बुरी बात है, आइरिस आ जाती तो मज़ा आता, बट आई थिंक आइरिस की स्टोरी जो है कंप्लीट हो चुकी है, उसको वापस आने की अभी तक कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यार जिस प्रकार से आइरिस का कैरेक्टर एंड हुआ था ना वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में, जिस प्रकार से वो रोई थी, वो हम सब फैंस के दिल में बस चुका है। अब यार वो अचानक से वापस आएगी, अगर पोकेमोन वाले यार उसकी स्टोरी को बिगाड़ देंगे तो आई डोंट नो या उसको वापस आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी उसकी जो स्टोरी हमको दिखाई गई वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में, वो बेस्ट थी, फंटेस्टिक थी, परफेक्ट थी, उसको चेंज नहीं करना है। मतलब यार आइरिस एक ऐसी पोके गर्ल है ना जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, बिकॉज यार वो और एस का थोड़ा बहुत लफड़ा है हमको दिखाया नहीं गया। बट आई थिंक यार आइरिस को अभी तक और भी ज़रा फैंस की यार ज़रूरत है, बिकॉज आइरिस एक ऐसी ट्रेनर है जो कि एस खेसम से सिमिलर है। नहीं यार वो यार छपड़ी गिरी नहीं करती है लाइक यार सैना मैं डोन करती है, वैसी नहीं है वो, यार एस की तरह पावरफुल बनना चाहती है। और मास्टर एड में उसका जो रूप हमको दिखाया गया वो यार एक बियॉन्ड ओवर इमेजिनेशन था, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आइरिस को हम लोग ऐसे फॉर्म में देखेंगे, और मुझे काफ़ी ज़रा अच्छा लगा आइरिस को ऐसे फॉर्म में देखकर। देन दोस्तों साइलेंट भी अगर एस को ज्वाइन कर लेता तो मुझे अच्छा लगता। मतलब यार अगर ये एस के असली में रियल में आखिरी एंड गेम के 11 एपिसोड है, तो यार मैं चाहता था कि एस के सारे फ्रेंड यार एक झुंड में एक ग्रुप में ट्रैवल करें। इमेजिन कर सकते हो ना, केंटो से लगे गलार तक जितने भी फ्रेंड आए एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और एंड में काफ़ी बड़े मुकाबले से वो मुकाबला करते, ये एक परफेक्ट एंडिंग होती। बट पोकेमोन वाले क्या दिखाना चाह रहे हैं आई डोंट नो। बट हाँ एक और फैक्ट तुम्हें मैं बता ही देता हूँ कि यार इस एपिसोड के एंड में, एपिसोड 3 की एंडिंग में, मिस्टी ब्रोक एंड एस किसम एक बार फिर से रीयूनाइट हुए इतने सालों के बाद में। ये वही जगह है जहाँ पे हमारे हीरोज जो है अलग हुए। बट यहाँ पे एक मेरा डाउट निकल के आता है कि यार ये जगह तो गलार रीजन लग रही है, तो ये केंटो रीजन की जगह से कैसे मेल खा रही है? तो शायद यही वजह हो सकती है पोकेमोन वाले हमको बताना नहीं चाह रहे ये कौन सा रीजन है। तुम सोचो, तुम्हारे ऊपर है, पोकेमोन वाले हमको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम यार पोको क्विज का आंसर दो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, बाय बाय।